हरियाणा के फरीदाबाद के शाहजापुर गांव में हर घर में आज सन्नाटा पसरा है। गलियां सुनसान हैं। यहां मौजूद एक घर से लगातार मां की चित्कार सुनाई दे रही है। अपने कोख से जिस वीर को उस मां ने जन्म दिया वो अब देश पर बलिदान हो गया है। आपको बता दें, राजौरी के परगल सेना कैंप पर हुई फिदायिनी हमले में अब तक 4 जवान वीरगति को प्राप्त हुए हैं। इनमें से एक 26 वर्षीय मनोज कुमार भाटी भी हैं। शहीद राइफलमैन मनोज कुमार भाटी के पिता को इस बात का एहसास भी नहीं था कि जिस बेटे से अभी एक घंटे पहले फोन से बात हुई थी उसकी शहादत की खबर अब सुननी पड़ेगी। जो बहन रक्षाबंधन पर अपने भाई की राखी थाली में सजा कर रखे हुई थी, उस बहन को क्या मालूम था कि अब वो भाई की कलाई ऐसे तिरंगे में लिपट कर वापस घर आएगी। वहीं 10 महीने पहले शहीद मनोज की शादी सीकर की कोमल से हुई थी। कोमल इस वक्त गर्भवती है। उनकी कोख में भारत मां के वीर सपूत मनोज की संतान पल रही है। आतंकियों की कायराना हरकत ने एक सुहागन से उसका सुहाग और एक अजन्मे बच्चे से उसके पिता का साया छीन लिया। शहीद मनोज कुमार की वीरांगना कोमल पति की शहादत से सदमे में है, क्योंकि अब आगे आने वाला जीवन उनका संघर्षों का विशाल पर्वत समान होने वाला है। वीरांगना कोमल के कोख में पल रहा संतान अब अपने पिता की वीरता की कहानी सुनकर ही बड़ा होगा। सरकारें लाख सुविधाएं और आर्थिक मदद दे लें, लेकिन वो कभी इस परिवार में बलिदानी मनोज की कमी को नहीं भर पाएंगी। किसको अंदाजा भी नहीं था कि घर का लाडला बेटा, जो अभी 10 दिन पहले ही छुट्टियां काट कर वापस ड्यूटी पर गया था और जाते वक्त जद लौटने का वादा किया था, वो अब ऐसे तिरंगे में लिपटा हुआ आएगा, वो ऐसे ताबूत में बंद आएगा। ईश्वर से सिर्फ एक ही प्रार्थना है कि अमर बलिदानी वीर सपूत मनोज कुमार भाटी के परिजनों को ये पीड़ा सहने की शक्ति दे, उनकी वीरांगना को हौसला दे। शिवालिक जनरल बलिदानी के साथ साथ उनके परिवार को भी कोटि कोटि नमन करता है, जिन्होंने अपने लाल को देश पर न्योछावर कर दिया। जय हिंद, जय भारत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें।